Hi guys, my name is Urushi and welcome back to my channel and welcome to a new video in which we are going to see my resolutions for 2024. I have tried to cut down and write least number of resolutions that I could take because agar hum bahut zyada resolutions le lete hain then we are not able to complete it. क्योंकि हम अपने ये जनवरी फर्स्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं या पूरा जनवरी भी यू आर मोटिवेटेड बट देन यू काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट या फिर यू गेट डीमोटिवेटेड बाय समथिंग या तो अपनी लाइफ में बहुत इजीली वापस से यू जस्ट स्लाइड इन एंड वी जस्ट फॉरगेट अबाउट वट एवर वी वर ट्राइंग टू डू एंड वी टुक एज अ रेजोल्यूशन सो मुझे वो पर्सन नहीं बनना था सो आई जस्ट टाइप कि जितने नेसेसरी है मैं उतने ही रेजोल्यूशंस लिखूँ और जितने हो सकते हैं मैं उनको क्लब करके लिख लूँ सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रेजोल्यूशंस आई डोंट गेट ओवरवेल्म बाय देम एंड आई एम एबल टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड मे बी सूनर सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू माई रेजोल्यूशंस ऑफ 2024 सो आई रिटन ऑल माई रेजोल्यूशंस इन दिस नोटबुक एंड आई हैव एक्चुअली रिटन 10 ऑफ देम बट मैं सारे करके रहूँगी I'll try at least क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखे हैं I have written जो कि attainable है मतलब you can actually achieve them so they are achievable बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी because these are changes and yeah so I've written 10 of them and the first one that I've written is workout for 30 minutes a day so from workout what I mean is कि I just have to move my body for 30 minutes a day without work मतलब जो नॉर्मली हम काम करते हैं उसमें तो हमारी बॉडी चलती ही है बट उसके अलावा लाइक कॉन्शियसली आई ट्राई टू गो फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज एंड आई एक्चुअली डिड इट आज 1st of January एंड आई एक्चुअली डिड वर्कआउट इन लाइक एट माई होम इटसेल्फ टुडे मॉर्निंग बिकॉज आई लिव विद माई सिस्टर एंड वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपीरियंसड है सो शी हेल्प मी डू इट एंड आई वॉज एबल टू अचीव दिस रेजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट डे And yeah, so I'm very excited to try this because I think I'm getting out of shape right now and I would like to go back to my normal shape or not because I don't like myself but because it's important for me right now क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद एंड आई विल बी लाइक सो या द फर्स्ट वन इज़ टू वर्क आउट फॉर 30 minutes अ डे द सेकेंड वन इज़ टू जर्नल और टू राइट अ मैनिफेस्टेशन जर्नल और टू राइट अ ग्रैटिट्यूड सो दिस इज़ वॉट आई विल बी ट्राइंग टू डू ऑन अ डेली बेसिस एंड आई डोंट वॉन्ट टू मिस ऑन दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल डू दिस अ लॉट एंड आई सी हाउ इट चेंजेस देयर लाइफ सो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आई डू राइट जर्नल या मैनिफेस्टेशन जर्नल आई हैव बीन कीपिंग इट फॉर ईयर्स लास्ट ईयर वॉज एक्चुअली विथ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ किया नहीं था मैंने लास्ट ईयर बट फॉर दिस ईयर आई वॉन्ट टू एड वन थिंग टू दैट दैट आई विल बी राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल टू सो बाय दैट वॉट आई मीन इज कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वॉन्ट टू राइट 5 to 10 थिंग्स या यू कैन स्टार्ट विद इवन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे सो टुडे मॉर्निंग आई रोट 10 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई डू माई ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एंड manifestation journaling and anything of that sort you please do tell me I will make a separate video for that also but for reference I would just like to tell you that I just write that 10 things that I am grateful for today and I just list down everything that I am actually grateful for or you know it can be anything it can be literally your phone or your food or your family your friends the love you have in your life or anything that you want to write and you are actually happy and grateful to have it so yeah I don't want to miss on this because I am actually wanting to get back to this third one that I have written is to listen to podcast so I was a very very core listener of podcast in 2022 and mid of 2023 but somehow I literally forgot that I used to listen podcast and I actually miss it now because you know I have a lot of things to listen now because last few kuch months I haven't like I wasn't even aware ki I was a person that was very much interested in listening to podcast and I was changed a lot
So I just want to inculcate that habit again because I love listening to podcasts. I love listening to what people have to say on the things they talk about, the areas of life they touch upon in their podcast. So I just love the outcome that the podcast has in our in my personal life, and I love that. I can't listen to a podcast ekdam se daily, so I'll try ki I'll 10 minute ka bhi if I am able to listen to, so it will be very helpful to me to just inculcate that habit. And then ek bar aadat pad jati hai na, then you are like okay aaj ek pura podcast khatam karna hai, and even if you are doing nothing then you will be like chalo aaj podcast sunte hain. I miss that. I just want to get back to that habit. So yeah, I have written this just for getting back into that habit. Next is, this one is very important for me, and this one will be the hardest for me because I have written to try and eat healthy, and I don't know what happened to me in the mid of 2023. I have started eating so much of junk, so much of junk. I am always eating something or the other that is not very healthy, and I try to balance it with something healthy, but aisa balance hota nahi hai. कभी कभी होता है, बट तुम डेली ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में होता है, बस तुम्हारी बॉडी अलग ही बैलेंस हो रही होती है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई टू ईट हेल्दी. जितना हो सके घर भी खाना बनाना है, घर भी खाना खाना है, और नहीं भी अगर खा रहे घर पे तभी बाहर में भी प्लीज़ डोंट ईट जंक. मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, आई हैव टू ट्राई ईट दिस नॉन जंक फूड. ऑल्सो आई विल ट्राई एंड बी प्रिपेयर विथ ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि जैसे ही मुझे भूख लगती है सो आई एम चलो अभी यहाँ से चिप्स लेके आते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं. बट इफ़ आई विल हैव फ्रूट्स विथ मी, सो अगर होती है ना मेरे पास चीज़ें, तब मैं ये नहीं करती कि मुझे ये खाना है या वो खाना है, तब मैं फ्रूट्स ही खाऊँगी. बट वो लेके आने का प्रॉब्लम है, सो अगर मैं वो लेके आके रखूँगी तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है. सो दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ टफ वन, बट वी विल डू इट, क्योंकि हमको एक्सरसाइज भी करनी है, सो हम जंक खा के एक्सरसाइज करके कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है. सो या नेक्स्ट इज़ स्लीपिंग ऑन टाइम. एंड आई नो ये हर इंसान का बहुत ही बेकार स्केड्यूल हो गया है अभी, बट अगेन आई एम सारी चीज़ें हम सिर्फ ट्राई करने वाले हैं, रेजोल्यूशन इज जस्ट ट्राइंग. सो आई विल ट्राई एंड स्लीप ऑन टाइम, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे सोने में, कभी एक कभी डेढ़. इट्स वेरी मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, बट उठ के ही रहती हूँ, सिर्फ बेड से उठना नहीं होता है. सो आई जस्ट हैव टू चेंज दैट हैबिट, और वो तभी होगा जब मैं रात में जल्दी सोऊंगी. सो आई ट्राई टू स्लीप अर्ली एज सून एज आई कैन. एंड विद दैट वी आर डन विद 5 ऑफ देम, एंड वी हैव 5 मोर टू गो. सो ऑन द सिक्स्थ वन इज टू हैव अ स्केड्यूल. So I work from home, and so I don't have a schedule. And it's very tough when you are working from home to have a schedule, because अगर आप लोग बाहर जाते हो, बाहर you have a life, right? So you know what you are going to do. And अब मेरा schedule कैसे बनाऊँ, I don't know when I am going to shoot or when I am going to edit or when I am going to go out for groceries and everything like that. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं schedule कैसे बनाऊँ. ऐसे नहीं कि मुझे बनाना नहीं, but I don't know how to make it. सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिगर इट आउट इस बार कि कैसे क्या लिखना है, बिकॉज बहुत हो गया अब स्केड्यूल के बिना. इसलिए लेट होता है सोने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केड्यूल, आई हैव एवरीथिंग, जस्ट आई डोंट नो हाउ टू डू एवरीथिंग इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ वन डे. बिकॉज अगर मैं कभी फ्री हूँ तो पूरे काम एक साथ खत्म कर लेती हूँ फटाफट, और अगर कभी किसी दिन आई एम शूटिंग तो उसके बाद मेरा डिनर बनाने का प्लान बहुत लेट हो जाएगा, और फिर उसकी वजह से मेरा सोना लेट हो जाएगा. सो आई जस्ट नीड अ स्केड्यूल राइट. द सेवन्थ वन इज़ टू रीड एवरी डे. एंड आई हैव ये वाला रेजोल्यूशन तो मैं पूरा करके ही रहने वाली हूँ, बिकॉज और मुझे पता था कि कुछ रेजोल्यूशन आर नॉट दैट यू स्टार्ट फ्रॉम 1st January. सो मैंने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन 10 में से मैंने कम से कम 5-6 जो है वो 1st January से पहले ही स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज यू हैव टू गो इन दैट हैबिट. तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग एवरी डे, नॉट इवन स्किप वन डे अब तक, तो टच वुड आई डोंट. And I have started reading every day. So what I would suggest is कि अगर आप अभी start out कर रहे हो ना reading करना, so just read 10 minutes या फिर 2-3 pages every day, and then you will get into that habit. And उसके बाद तो आपका खुद ही मन होगा, या फिर आपको स्टोरी बहुत पसंद आ जाएगी, आपको बुक पसंद आ जाएगी, तो आप खुद ही नहीं रखोगे. बट अगर सिर्फ हैबिट में आना है, सो यू जस्ट स्टार्ट विथ 10 days every day.
8th and again a toughest one because it's reduced on sugar intake. Now, I am such a lover of waffle and I eat waffle a lot. Just letting you know कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा waffle खाती हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा sugar intake उसी से ही होता है. बाकी चीज़ें भी मुझे बहुत पसंद है but I have sweet tooth. So, I eat sugar a lot. और आई ट्राई टू रिड्यूस इट क्योंकि एकदम से बंद तो नहीं होने वाला है. आई कांट क्विट ईटिंग शुगर अचानक से. आई हैव टू ट्राई इट एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू क्विट. आई जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस इट बिकॉज आई नो कि अभी ज़्यादा हो रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस माई शुगर इनटेक एंड आई विल गुड टू ऑन टू आवर सेकेंड लास्ट एंड द नाइन्थ वन इज टू वर्क ऑन माई एंगर. सो आई नो यू कांट सी माई एंगर ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम बट I was actually a short-tempered person. I'm not a short-tempered person anymore. I have worked upon myself. But still, जब भी मुझे गुस्सा आता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है. सो मुझे उस चीज़ पर वर्क करना है कि जब गुस्सा आ रहा है तब उतना गुस्सा ना आए क्योंकि दैट्स एक्चुअली हार्मिंग आर सेल्फ ऑल्सो. एंड आई नो कि ऐसा होता है लेकिन आई एम गिल्टी कि पता नहीं कंट्रोल नहीं होता है मेरे से. जर्नलिंग से यू गेट योर थाट्स वेरी क्लियर and it helps a lot. Actually it helps a lot and 2023 was a mess for me and I actually quit everything like journaling nahi karna, reading nahi karna. I was a mess actually in 2023. So I just want to work on my anger and I'll get there because I know ki I can. So why not just try and get there. And the last one is to reduce screen time. Aur ye bhi sabki kahani hone wali hai because हमने इतना इतना ऐसा यूज़ कर लिया, इतना स्क्रॉल कर लिया है, इतना यूट्यूब देख लिया है कि वी डोंट इवन रियलाइज कि हाउ मच वी यूज़ आर फोन्स, हाउ मच वी यूज़ आर लैपटॉप्स एंड एनीथिंग दैट वी यूज फॉर स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग दैट पर्पस. एंड आई जस्ट रियलाइज कि आई मतलब इतना ज़्यादा नहीं है मेरा, मतलब आई एम अ क्रिएटर एंड आई लाइक इवन इफ आई एम शूटिंग राइट नाउ सो दिस विल काउंट इन स्क्रीन टाइम. सो वो मैं देखती हूँ बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड आई डू लाइक आई नो कि आई कैन कंट्रोल इट क्योंकि उससे भी कम हो सकता है. इवन बीइंग अ क्रिएटर आई कैन डू दैट. सो या दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई हैव रिटन. आई होप कि मैंने जितनी चीज़ें मुझे करनी होती मैंने लिखी है. एंड आई डोंट थिंक कि यू आर अलाउड टू मेक रेजोल्यूशंस ओनली वंस अ ईयर. सो अगर मेरे इसमें से कुछ भी रेजोल्यूशंस पूरे हो गए हैं या फिर मुझे बीच में लगता है कि आई शुड ऐड दिस रेजोल्यूशन सो आई विल बी डूइंग दैट. हु सेड कि तुमको रेजोल्यूशन सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लेने होते हैं. सो आई जस्ट हैव 10 रेजोल्यूशंस राइट नाउ. इफ आई वॉन्ट आई लैड न्यू और इफ आई एम डन विद लाइक आई एम डन विद सम आई टेक दैम ऑफ एंड आई विल बी हैप्पी टू एक्चुअली टेक इवन वन ऑफ. I hope you guys like this video. If you did, please don't forget to subscribe to my channel and give this video a really big thumbs up. Bye.